नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में विधानसभा के चुनाव का डंका बज गया है। जी हां, चुनाव आयोग ने इसके कार्यक्रम को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा की 9 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। और बड़ी खबर जो सबसे ये आ रही है कि विधानसभा कोटे से विधान परिषद की 9 सीटों के लिए जो चुनाव होगा उसका पूरा शेड्यूल कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 9 सीटों के लिए 18 जून से 25 जून तक नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम है। जी हाँ, 18 जून से 25 जून तक नामांकन दाखिल हो सकेगा। 26 जून को नामांकनों की चुनाव आयोग जांच करेगा और 29 जून से नाम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और चुनाव आयोग के अनुसार 6 जुलाई को यदि जरूरत पड़ी तब जो है चुनाव जो है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कराया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब सब कुछ क्लियर हो तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती है। जदयू कोटे से जितने विधान परिषद सदस्य चुने जाने हैं वो चुने जाएंगे, भाजपा के कोटे से भाजपा के चुने जाएंगे और आरजेडी के कोटे से आरजेडी के चुने जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जिन दिग्गजों की इस बार विधान परिषद से के कारण सीट खाली हुई है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उनमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अशोक चौधरी बिहार सरकार में अभी भी मंत्री हैं, अशोक चौधरी जदयू से हैं, उनकी सीट खाली हुई है। कृष्ण कुमार सिंह जो हैं वो भाजपा से हैं, उनकी सीट खाली हुई है। पीके साहिब जदयू से, संजय प्रकाश, शैलेश कुमार, राधा मोहन शर्मा, सोनेलाल मेहता और सबसे जो बड़ी सीट खाली हुई वो मोहम्मद हारून रशीद जो सभापति हैं विधान परिषद के, उनकी सीट खाली हुई है। तो इन 9 सीटों के लिए जो है बिगुल बज चुका बिहार विधानसभा में। और देखा जाए कि बिहार विधान परिषद की इन सीटों के लिए जो राजनीतिक गणित है वो किस पार्टी के तरफ ज़्यादा और किसके तरफ कम बैठती है, कौन किसको अपने पाले में ले आकर अपनी सीटें निकाल लेता है, इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बने रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।